नमस्कार, मैं शिखा मिश्रा रांची से आज आपसे फिर मिलने आ गई हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सभी ठीक होंगे, सभी मंगलमय होंगे, ऐसी मैं कामना करती हूँ। मैं आप लोगों को रोज़ रोज़ नई जानकारियाँ देने के लिए आती हूँ, ताकि आप लोग अपना सुधार करें, उपाय करें, जिससे आपके छोटे छोटे चीज़ों से कष्ट मिलते हैं वो दूर हों। लेकिन आप लोग मुझे देख नहीं रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही कोई लाइक मिल रहा है। अगर लाइक मिलेगा तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है कि लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन इन दिनों देख रही हूँ कि कोई चीज़ मेरी लाइक ही नहीं हो रही है, ना ही आप लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग प्लीज़ देखिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों को और भी जानकारियाँ दूँ। तो आज मैं आप लोगों को स्वास्तिक चिन्ह के बारे में बताना चाहती हूँ, ताकि आप लोग अपना जीवन सुधारें। हर मांगलिक कार्य में स्वास्तिक चीज बनाने चाहिए, स्वास्तिक चिन्ह बनानी चाहिए, और स्वास्तिक चिन्ह बनाने से आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। स्वास्तिक चिन्ह गणपति और माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि वो चीज़ बनाने से गणपति और लक्ष्मी जी के सीधे आपको आशीर्वाद मिलती है। तो आप लोगों को क्या क्या करना है, इसके बारे में आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो जो भी मांगलिक कार्य हो, आपको स्वास्तिक चिन्ह बनाना ही है। जैसे कि जिस दिन आप लोग पूजा करते हैं, जैसे नवरात्र वगैरह, गणपति पूजा या फिर कोई भी पूजा, तो आप लोगों को एक स्वास्तिक चिन्ह बना लेना है। उसके बाद गणपति जी को या कोई भी भगवान हो उस पे आपको बिठाना है। और ऐसा करने से, हल्दी या कुमकुम से ये चिन्ह बनाइएगा आप लोग, ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी पूर्ण होती है। भगवान का आह्वान उससे, वैसे करने से भगवान आपकी जल्दी सुनते हैं, वो आपके घर आते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। जैसे कोई दिया वगैरह जला रहे हैं आप लोग, या फिर भगवान पे आपने नहीं स्वास्तिक बनाया है तो दिया जला रहे हैं जिस पे, तो सबसे पहले चावल से स्वास्तिक बनाएं, और जो 5 बिंदु दी जाती है अगल बगल, जो प्लस मात्रा की होती है, और अगल बगल जो 5 बिंदु दी जाती है वो कुमकुम से दीजिएगा, और उसके ऊपर दिया रखिएगा। इससे आपकी मनोकामना जल्द पूर्ण होगी। ऐसा करने से भगवान आपकी जल्दी सुनते हैं। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ, जैसे कि बच्चों की किताब वगैरह होती है, जैसे पढ़ाई लिखाई की शुरुआत किताब कॉपी लेते हैं ना आप लोग, तो उस कॉपी को सबसे पहले भगवान की जगह एक स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक आप हल्दी या कुमकुम से बना सकते हैं, और उसके बाद उसमें गंगा जल छिड़कीएगा, उसके विधिवत आरती कीजिएगा। उसके बाद सारे कॉपी किताब को आप उस स्वास्तिक के ऊपर रख दीजिएगा। ऐसा करने से आपके बच्चों की बुद्धि तेज होती है और उनको पढ़ने की शक्ति मिलती है। साथ ही जो वो पढ़ते हैं वो याद रहता है और आपके बच्चे तेज होते हैं। तो ऐसा आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और उनके किताबों में जैसे कि जो फर्स्ट पेज रहता है, तो उस पे एक छोटी सी स्वास्तिक आप अष्टगंध या फिर केसर से बना लीजिएगा। इससे आपके भगवान के आशीर्वाद आपके बच्चों में जरूर मिलेगी। जैसे आप लोग पूजा वगैरह करते हैं तो क्या कीजिएगा, पूजा में जैसे आप लोग पूजा करते हैं तो जिस आसन पे आप लोग बैठते हैं, तो उस आसन के बैठने के नीचे आपको 5 स्वास्तिक बना लेना है, जो हल्दी कुमकुम केसर से रहे और गंगा जल मिश्रित रहे। उसके ऊपर आप लोग आसन बिछाइएगा। आसन हमेशा कुश का होना चाहिए, ऊन का। इसी में बिछा कर आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए आप लोग इसको ऐसा कीजिएगा। तो ऐसे ही आप लोग कीजिएगा, और उसके ऊपर बैठ कर अगर आप लोग ये पूजा पाठ कीजिएगा तो आपको भी ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। साथ ही आप जिस भी भगवान का आह्वान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, वो आपकी पूर्ति होगी, आपकी पूजा स्वीकार होगी। तो आप लोग ऐसे ही कीजिएगा। साथ ही जैसे कि बुरी नज़र वगैरह लग जाती है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपने घर के चौखट पे, यानी कि ऊपर दीवार पे भी
आप लोग एक तांबे का या पंच धातु का एक स्वास्तिक बनवा लीजिएगा और उसे अपने घर के चौखट यानी ऊपर पे लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपके घर की बुरी नजर भी दूर होंगे, साथ ही आपकी सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। हमेशा हर शुक्रवार को आपको अपने चौखट पे यानी दोनों जो देहरी होती है, जो द्वार होता है, उसके दोनों तरफ नीचे में आपको चावल से स्वास्तिक बनाना है और उसके ऊपर हल्दी और कुमकुम देना है। ध्यान रहे, हल्दी देना है शुक्रवार को, और उसे हर शुक्रवार को दीजिएगा। इससे आपके लक्ष्मी आगमन जल्दी होंगे। साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जैसे कि कोई बीमार वगैरह रहते हैं आप लोग, तो दवाई वगैरह लेते हैं ना, तो उसको क्या करना है, उसको एक कोई बर्तन में स्वास्तिक बना लीजिएगा, जैसे प्लेट हो या थाली हो बड़ी सी जिसमें दवाई अट जाए, उस पे आप हल्दी और कुमकुम का और केसर मिश्रित का आपको स्वास्तिक बनाना है और सारी दवाई को उसके ऊपर रख देना है और पूजा स्थान पे अर्चना करनी है कि आप जल्दी ठीक हो जाए या फिर आपके घर के सदस्य में जो बीमार है वो भी जल्दी ठीक हो जाए। ऐसा करके आप लोग फिर उस दवाई को रख लीजिएगा और रोज उसी दवाई को लीजिएगा। जब भी दवा आए आपकी, आपको ये नियम करना है, आप लोग इसे कीजिएगा, आप जल्दी ठीक हो जाइएगा और आपकी दवा भी धीरे धीरे यानी कि छूट जाएगी। बिना दवा के ही आप बीमार हो नहीं होंगे और अच्छे होने लगेंगे, तो ये भी आपको करना है। जैसे कि आए दिन आप लोगों को जैसे कोई कार्य करना है और वो नहीं हो रहा है, कितना भी आप करना चाह रहे हैं, तो आपको हल्दी का स्वास्तिक अपने माथे पे बनाना है। छोटा सा बनाइएगा जिसे कोई देखे ना, उसके ऊपर आप बिंदी लगा सकते हैं या फिर कुमकुम लगा सकते हैं। तो एक छोटा सा आप स्वास्तिक हल्दी का अपने माथे पे जरूर बनाएं। इससे आपके कार्य सिद्धि होंगे और जो भी आप कार्य करते हैं और नहीं होता है तो होने लगेगा और आपके अच्छे दिन बीतेंगे। साथ ही मैं आप लोगों को और बताना चाहती हूँ, इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, इसे देवी देवताओं का वास रहता है स्वास्तिक में, तो हर कार्य में आपको स्वास्तिक बनाना ही बनाना है। जैसे कि आप लोग सिंगार वगैरह लेते हैं ना, कुछ भी जैसे चूड़ी हो, बिंदी हो, अलता हो, कुछ भी, तो उसे किसी की भी नजर ना लगे और खराब ना हो, आप एकदम सदा सुहागन रहे, अच्छी रहे, इसके लिए सारे सिंगारों को एक स्वास्तिक बनाकर उसके नीचे, जैसे कि आप किसी पे पूजा करें वहाँ स्वास्तिक बना ले, उसके नीचे एक थाल रख लें और वहाँ पे सारे चीज़ों को रख दें। इससे आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो यही मेरे कुछ उपाय थे जो मैंने आपको बता दिए, तो आपको ऐसे ही करना है और जो भी जानकारियाँ होगी मैं आप लोगों को रोज़ बताऊंगी। तब तक के लिए शिखा मिश्रा को इजाज़त दीजिए और मैंने जो उपाय बताया है उसे प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। इससे आपको घर की सुख संपत्ति मिलेगी, समृद्धि बढ़ेगी स्वास्थ्य बनाने से। अपने हाथों में भी जिसकी बृहस्पति कमज़ोर होती है, तो इस जगह आप हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिएगा नहा धोकर, उसके बाद उसे धो लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ खाना वगैरह खाने, क्योंकि इसे जूठन नहीं करना होता है, तो ये भी उपाय कर लीजिएगा। तब तक के लिए, शिखा मिश्रा को ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए प्रणाम।